वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जमहूरी पब्लिकेशंस ने मुनफरद एजाज अपने नाम किया है। जमहूरी पब्लिकेशंस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने स्टूडियो में किताब दोस्त महफिल के नाम से पहला लाइव प्रोग्राम जो था वो नशर किया और पाकिस्तान की शाती दुनिया में पहली प्रोफेशनल प्रोडक्शन के तहत लाइव डिजिटल ट्रांसमिशन नशर करके एक हिस्ट्री जो है वो कायम की गई है। इसका मकसद क्या था, किन लोगों ने इसमें शिरकत की और आगे चलकर इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की जाएंगी, किस किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, क्या फ़वाद हैं इसके, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मारूफ़ मुसन्निफ़, एंकर एंड रिसर्चर फ़ारुख सुहेल गोइंदी साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। फ़ारुख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जमहूरी पब्लिकेशन से जो कारनामा सर अंजाम दिया, इसके हवाले से बता दें इसका मकसद क्या था, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मज़ीद आपके आगे क्या गोल्स हैं। शुक्रिया रुखमा। जमहूरी पब्लिकेशन चूँकि काज के तहत बना था, मैं पॉलिटिक्स को छोड़ के आया, मीडिया को छोड़ के आया, और दूसरी जो बड़ी सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्वालिटी चीज़ें होती हैं, स्टेटस, जमहूरी पब्लिकेशन पाकिस्तान के अंदर वो किताबें मुतारफ कराना चाहता है जो कंटेंट के हवाले से हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग करे, हमारे मीडिया की, इंटेलेक्चुअल्स की, रीडर्स की, आम लोगों की। मैं चूंकि इंटरनेट का पुराना यूजर हूँ 95 से, मेरे लिए ये चीज़ें नई नहीं हैं, लेकिन कोरोना के दिनों में लोगों ने काफ़ी लर्निंग किया है, जूम का इस्तेमाल और ये स्काइप का इस्तेमाल, और इन चीज़ों को मार्केटिंग भी अब आ गई है, ई मार्केटिंग, लोग इस पर बिजनेस भी कर रहे हैं। तो जमहूरी पब्लिकेशन ने एक ऐसे इंतज़ाम किया, एक जदीद स्टूडियो बनाया कि हम अपनी वहाँ से किताबों की तकरीब किया करेंगे। सिर्फ किताबें फरोख्त करने के लिए नहीं है, तकरीबन फरोख्त करने के लिए नहीं है, कि जो जमहूरी पब्लिकेशन ने दुनिया भर की किताबें छापी हैं, क्वालिटी की किताबें हैं। मैं बड़े हम्बली कहना चाहता हूँ कि जमहूरी पब्लिकेशन ने पिछले 20 साल में जो कॉन्टेंट छापा है वो पाकिस्तान में नंबर 1 है इस वक्त, कंटेंट वाइज कह रहा हूँ, नॉट सेल वाइज। तो हमने एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, टेलीविजन के पास है, सब टेलीविजन के पास है, वो पब्लिशर्स उसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे पब्लिशर मोस्टली वैसे ही हैं, तजारत करना चाहते हैं। तो हमने एक तकरीब रखी है, उसमें एक एंकर है, एक मुस्तकिल मजर मजोका साहब दानश्वर हैं, वो बैठा करेंगे। फिर पहली दफ़ा हमने पहली किताब जो कि रबीउल अव्वल था, तो हमने बिस्मिल्लाह रबीउल अव्वल से की, सरवर कायनात एक किताब है बहुत खूबसूरत इसके ऊपर, सीरतुल नबी पे, उस पर हमने डॉक्टर फरीद प्राचा साहब को लिया। तो हमने एक लाइव ट्रांसमिशन किया पूरी प्रॉपर, जैसे टेलीविजन कर रहा है, जैसे आप कर रहे हैं, और उस पर हमने गुफ्तगू किया। ये नहीं किया जी किताब बड़ी खूबसूरत है, इतने सफ़े हैं, इतने रुपए की है, उस कंटेंट पे गुफ्तगू किया। ये तो अभी आगाज है, बिस्मिल्लाह है हमारी, हम चाह रहे हैं कि इसको, और इसको हजारों लोगों ने देखा है, अब इसको हम पूरी दुनिया से, मैं चूंकि जुड़ा हुआ हूँ जाती तौर पर, हमारा पब्लिकेशन हाउस और खुद जो मेरा एसेट है, इंटेलेक्चुअल एसेट है, मेरी रसाई उन सब लोगों तक है, सवाए उस वजीर आजम तक जो हुकूमत में हो, बाकी सब तक है, तो इसी तरह इंटेलिजेंशिया में। तो हमने जमहूरी पब्लिकेशन के कॉन्टेंट को लोगों में डिस्कस करने के लिए, लोगों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए, किताब कल्चर को फ़रोग देने के लिए, हमने एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स शुरू किया है अराउंड द बुक्स, और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे प्रॉपर एक टीवी चैनल होता है। अच्छा फारुख साहब, एक तो ये कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया, मतलब आप क्यों ऐसा करना चाहते थे? हर चीज का एक वो होता है ना कि आपका कोई एम होता है, और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? फिर ये जो जदीद टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सो किस किस्म की ये जदीद टेक्नोलॉजी थी जो पहली लाइव ट्रांसमिशन हुई, उससे क्या रिस्पॉन्स आपको क्या मिला, फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? हाँ जी, मैं पहले बता दूं, गालिब का शेर है, आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल से। मैंने आपको बताया कि मैं 95 से इंटरनेट का यूजर हूँ, मेरे लिए चैट प्रोग्राम ये सारी चीजें नई नहीं है, ये फेसबुक और ये जूम, दीज आर नॉट नथिंग, तो मेरे लिए नई नहीं है। मैं जूम को, इन चीज़ों को अपना ऑनलाइन ऑफिस 10 सालों से, तकरीबन 15 सालों से चलाता हूँ, तो ख्याल इसलिए आया कि मैं जदीद टेक्नोलॉजी पे यकीन रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इतना कंटेंट है, हमारे पास इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल सर्कल है जमहूरी के पास और खसूस मेरे पास, कि हमने कहा कि एक ऐसा स्टूडियो बना दिया जाए और उसके अंदर बिल्कुल वही फार्मूला, कोई उस तरह नया नहीं है, लेकिन पब्लिशिंग हाउस के हवाले से पहली दफा हुआ है पाकिस्तान के, किसी पब्लिशिंग हाउस ने ऐसे लाइव ट्रांसमिशन डिस्कशन नहीं की, और स्टूडियो बेस्ड प्रोड्यूसर हमारी इसमें 8-9 बंदों की टीम इन्वॉल्व हुई है, बाकायदा बड़े सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं उसमें, और इसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो मेरे दिन में आइडिया, चूंकि मैं मशहूर हूँ आइडियाज देने में,
हुकूमत वाले भी जानते हैं, दूसरे लोग भी। तो मेरा ये आइडिया था कि हम इसको एक इल्म की महफिल बताएं, किताब की महफिल, इल्म की महफिल, एक पूरा सेमिनार बना दें, हम लोग घर में बैठे किताब के ऊपर गुफ्तगू सुने और करें और पार्टिसिपेट करें, और इसको हम आगे जब फैलाएंगे, तकरीबन मुझे 4-6 हफ्ते और चाहिए हमें, 4-6 हफ्ते के बाद आप देखिएगा इस पे हम लाखों लोगों को एंगेज करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदात में इमरान खान के अलावा, नवाज शरीफ के अलावा, जरदारी के अलावा इल्म भी मौजूद बने, तारीफ, फलसफा, अदब, सियाहत, जहांगर्दी, तालीम। अच्छा, ये जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो पहली किताब थी, आपका जो आइडिया है ये तो बहुत जबरदस्त है, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि पहली किताब जो थी वो सीरत-उन-नबी पर थी, अब जो इसमें होस्ट होगा, जो गेस्ट होगा या जो भी उसमें लाइव ट्रांसमिशन का जो हिस्सा होंगे, इसका मतलब उनको उस किताब से बखूबी तौर पर वाकिफ होना चाहिए, पढ़ के वो आए हों और वो डिस्कशन कर रहे हों, राइट? तो मज़ीद आपका मतलब आगे के हवाले से क्या ख्याल है कि किस किस्म का जो कॉन्टेंट है वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, हम ये करते हैं कि किताब अनाउंस भी करते हैं, लकी ड्रॉ करते हैं, हम 3 किताबें अनाउंस करते हैं, जो पार्टिसिपेंट कराची में बैठा है वो भी पढ़ता है, और आइंदा हमारे पास तुर्की, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान, ब्राज़ील, कनाडा, उन ममालिक के ऑथर्स भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि हम पाकिस्तान के अंदर एक लाइव ट्रांसमिशन क्या करेंगे जो किताबों के मौजूद के हवाले से हो, एक लंबा प्लान है। मैं चूंकि बहुत ऑर्गेनाइज आदमी हूँ, प्लान बनाता हूँ हफ्ते का, महीने का, साल का, तो हमारे मौजूद हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, लिटरेचर, पोइट्री और दूसरे मौजूद हैं, सिविलाइजेशन है, टूरिज्म है, तो हमारी एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 1000 से ज़ायद किताबों के गिर्द हम ये गुफ्तगू करेंगे, और इसमें बड़े नए नए हम आइडियाज लाएंगे, लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होगा। मुझे ये फख्र होता है कि जब लोग उसको कॉपी करते हैं या फॉलो करते हैं तो आप एक मुतारफ कराते हैं। तो इस हवाले से जमहूरी पब्लिकेशन ने एज ए पब्लिशर पहली दफा ये किया, कि पब्लिशर ऐसा नहीं अभी तक कर सका, तो टीवी वाले तो कर सकेंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये ट्रेंड बने और लोग इस तरह आए, और हमारे पास 1000 से ज्यादा किताबें हैं, 1000 से ज्यादा मौजूद हैं, आप 1000 के साथ 3 बंदे भी बैठा दे तो 3000 पार्टिसिपेंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमने जो अभी तक लिस्ट बनाई है वो 150 लोगों की है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, और इसके अंदर आप देखेंगे अभी हमने पहला किया, अगले सैटरडे तक हम एक और प्रोग्राम करेंगे, और इसके अंदर जो बैरून मुल्क लोग हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर होती हुई तकरीब किताब दोस्त महफिल, इसका नाम हमने रखा है, जमहूरी पब्लिकेशन का एक पेज है, उस पर हम जाते हैं, फिर इसको हम लाइव दिखाते हैं, यूट्यूब पे भी है, सारे सोशल मीडिया जितने हैंडल्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम इसको ट्रांसमिशन करते हैं। अच्छा फारूक साहब, एक और ये चीज यहाँ पर मैं ये भी देखें, अगर हम ये आप जिस तरह से बात करें किताब दोस्त महफिल और उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर हम इस तरह की ट्रांसमिशंस की बात करें तो ऑब्वियसली एक बड़ी पर्टिकुलर किस्म की इसकी ऑडियंस होती है, वही लोग इस तरफ आएंगे जिनको शौक होगा, जिनको लिटरेचर से शौक होगा, जिनको हिस्ट्री का शौक होगा, जो पढ़ने पढ़ाने वाले होंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आजकल देखूँ अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो लोग जो हैं, स्पेशली जो हमारी यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो किताबों से बहुत दूर हैं, या अगर उनको पढ़ने का कुछ शौक भी है तो वो अपने मोबाइल फोन्स पे प्रेफर करते हैं ज़्यादा पढ़ें, अपनी मर्जी का कंटेंट पढ़ें। सो इस किताब दोस्त महफिल को यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए डू यू हैव एनी आइडिया, यंगस्टर्स में मकबूलियत इख्तियार करें, हमारी यूथ जो है वो बुक रीडिंग की तरफ आए, उसके लिए व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड? के मतलब आवाम ठीक है, एक खास कैटेगरी में तो मकबूलियत हो, लेकिन उसके साथ साथ यूथ इस तरफ माइल हो। बहुत अच्छा रुखमा आपने सवाल किया। मेरे दोस्त थे डॉक्टर अनवर सजाद, जो पाकिस्तान टेलीविजन के बानियों में थे और बहुत बड़े ड्रामा नगार थे, उन्होंने कहा जो ड्रामा ये कहकर लिखता है कि लोग ये चाहते हैं तो मैं ये लिखूं, ये राइटर, क्रिएटर, एंकर, मीडिया पर्सन का काम है कि वो लोगों को अपने ख्याल के पीछे लगाए। हमारा टारगेट सिर्फ किताब पढ़ने वाले लोग नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो किताब नहीं पढ़ते, और जो यूथ है जो नए गैजेट्स इस्तेमाल करती हैं, वो हमारा पूरा प्लान है। हमने इसके लिए पूरी एक एप्लीकेशन बनवा रहे हैं कि लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन के जरिए किताब पढ़ने का जो ट्रेंड बनने जा रहा है पाकिस्तान में, देखें लीडर वो होता है, इंटेलेक्चुअल वो होता है जो फोरसीन करे, जो लगी हुई बात के आगे लग जाए वो राइटर, वो इंटेलेक्चुअल क्रिएटर, विजनरी नहीं होता। तो मेरा प्लान ये नहीं है कि किताब पढ़ने वाले बड़े बड़े प्रोफेसर ही इसको देखें और सुने और एंगेज हो, बल्कि वो लोग हैं जिसका आपने कहा जो नहीं पढ़ते किताब, जो नई टेक्नोलॉजी नहीं है, जमाना बदल रहा है,
और हमने जमाने के साथ बदल के नए गैजेट्स को, नए टेक्नोलॉजी को, उस यूथ को, उस नौजवानों को, खवातीन को, बच्चियों को, बच्चों को पढ़ाना है, ये इन मौजूद की तरफ आना है। दिस इज लीडरशिप, जो मैंने दुनिया में लीडरशिप प्रोग्राम किए हैं कि आप लीड करें, लोगों को उस तरफ लेके जाएं। तो यकीनन हमारा टारगेट वो तबका है जो किताब नहीं पढ़ता या कम पढ़ता है, या उनके पास अहमियत नहीं है किताब की, इसीलिए इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि किताब अब कागज से आगे जाएगी, किताब नहीं मरेगी। जब ये लोग कहते हैं जी किताबें मर रही हैं, तो पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो रही है, कागज के ऊपर छपी हुई किताब खत्म हो रही है, तहरीर खत्म नहीं होगी। पहले तहरीर खाल पर छपती थी, उससे पहले दरख्तों की जो होती थी खालें उस पर छपती थी। इसी तरह जदीद टेक्नोलॉजी इस प्रोग्राम के जरिए हम सारे जमहूरी पब्लिकेशन को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। असल में हम उस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, उनको हैबिचुअल करेंगे। मेरे दोस्त हैं मार्शल मेलकम, जो जिन्होंने ये टर्म बनाई थी, मेरे दोस्त नहीं है, उनकी बेटी असल में मेरी दोस्त है, कैनेडियन ग्लोबल विलेज, 1960 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। उनकी बेटी मुझे मिलने आई, मेरे साथ वो पढ़ती थी अमेरिका में, तो उन्होंने 60 की दहाई में कहा था ये ग्लोबल विलेज बन रही है, एक टेलीविजन होगा। तो विजनरी बंदा यूं सोचता है, क्योंकि जमहूरी पब्लिकेशन के पीछे मैं हूँ एक पूरी दानिश की, एक फिकर की, एक लॉजिक की बुनियाद है। तो इसलिए हमने ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन किया कि टोटल लोगों को, मैक्सिमम लोगों को डिजिटल दुनिया के अंदर की जो दुनिया है, किताब की दुनिया, उसको बना दिया जाए। That's wonderful. अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आपने कंटेंट का बार बार जिक्र किया है, जमहूरी पब्लिकेशंस मोस्टली जो किताबें पब्लिश की जाती हैं उनका मोस्ट ऑफ द टाइम कंटेंट क्या होता है, और व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान में हमारी यूथ को या आवाम की अगर हम बात कर लें, किस किस्म की किताबें पढ़ने की अशद ज़रूरत है? देखिए, मैं बड़ा हमली और फख्र से कहता हूँ कि जमहूरी पब्लिकेशन ने जो कॉन्टेंट छाया किया है वो मामूली नहीं है। हमारी एक किताब के सिर्फ तर्जुमे को पुष्कर लिटरेरी अवार्ड रूस ने दिया है 2017 में, जो कि दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है। जैसे फैज साहब को अमन अवार्ड मिला था सोवियत यूनियन के जमाने में, ये उसी लेवल का है। तो जमहूरी पब्लिकेशन का कॉन्टेंट दुनिया का मुकाबला करता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को अपने मौजूद पढ़ने चाहिए और आज की जदीद दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि जमहूरी पब्लिकेशन का एक और क्रेडिट है कि दिस इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट ट्रांसलेशन हाउस। हमने दुनिया का जदीद राइटर, जदीद लिटरेचर, जदीद ख्याल, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी और पॉलिटिक्स, इवन चॉम्स्की को हमने इंट्रोड्यूस कराया उर्दू में, हॉवर्ड जिन को हमने इंट्रोड्यूस कराया, रैमजे क्लार्क को हमने इंट्रोड्यूस कराया, बुरहान पामू को, एलिफ शफक को, 40 रूज और उर्दू में हमने मुतारिफ कराया। तो हम पाकिस्तान के नौजवानों को, मैं ये चाहता हूँ कि वो सिर्फ अपना ही ना पढ़ें, दुनिया को भी पढ़ें, क्योंकि दुनिया एक है, ये एक जहान है, इंसान एक है, और जहां पर इंसान ने इल्मी फिक्री तरक्की की है उसको मैं उर्दू में ढालने का मेरा कॉन्सेप्ट है। और ये मैं मुतासर हुआ था कुर्तुबा के लोगों से, जो स्पेन के मुसलमान थे, जहां पर एक वक्त में 500 मुतरजम होते थे। तो मैं पाकिस्तान के नौजवानों को और दूसरी नस्ल को भी, उससे बड़े हैं मेरी नस्ल के भी, उससे भी छोटे, कि दुनिया का इल्म मुतारफ कराया जाए। जो कौमें, जो तहजीबें, जो खिता दुनिया के इल्म से जुड़ जाता है वो दुनिया के बराबर आ जाता है, वरना हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप इतनी ज़बरदस्त काविश जो है वो कर रहे हैं और अल्लाह आपको इसमें तरक्की भी दे, कामयाबी भी दे, लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, सो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमारी सोसाइटी में मतलब अगर हम देखें सियासी इख्तलाफात की वजह से या नज़रियात में, ऑब्वियसली हर एक के नज़रियात जो हैं वो नहीं मिलते होते, उससे सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गई है। इसमें हमारी यूथ के एथिक्स, मॉरल्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक आपके इस प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया हो सकता है जिससे यूथ को वापस जो है उनके मॉरल्स, एथिक्स की तरफ लाया जाए, क्योंकि सियासी इख्तलाफात की वजह से बाप बेटे से झगड़ रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, मतलब एक किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, बट लड़ आपस में रहे हैं इन सियासतदानों की वजह से। सो व्हाट डू यू थिंक किस तरह से एथिक्स को इनकल्केट किया जा सकता है? वाह वाह वाह, असल में मेरा एक जुमला है, उस पर मैंने लिखा है कि वी आर हाईली पोलिटिसाइज्ड एंड टोटली नॉन पॉलिटिकल। ये जितनी डिबेट है इमरान खान, नवाज शरीफ, सरदारी और दूसरी सियासी, ये शख्सियात के गिर्द है, ये सियासी मौजूआत के गिर्द नहीं है, ये अवाम और अपने पर नहीं है। इसलिए जितनी ये पोलिटिकल पोलराइजेशन है, मुझे बहुत अच्छा होता अगर ये पोलराइजेशन
सियासी नजरियात पर होती, अवामी फिक्र पर होती। ये सारी जो इसका जो मेरा एनालिसिस है, ये ट्राइबल अप्रोच है, ये फ्यूडल अप्रोच है अवाम की, ये बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटी की तरह की अप्रोच बन गई है कि अगर कोई इमरान खान के साथ है तो वो दूसरे को बिल्कुल गलत और गद्दार समझता है, जो दूसरे के साथ है वो उसको समझता है। इसलिए कि पाकिस्तान का बहरान इल्मी और फिक्री बहरान है, तालीम का बहरान है, और तालीम के अंदर जो फिक्र और नजरिया है वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए पढ़ा लिखा तबका भी मैं देखता हूँ मेरे साथ लड़ पड़ते हैं, तो मैं तो खामोश हो जाता हूँ 5-7 साल से। इसीलिए हम एक बिल्कुल मीठे तरीके से, गैर महसूस अंदाज से, इसको मैं मीडिया की टर्म मेरी अपनी, मैं इसको अडॉप्ट किया हुआ है, गैर महसूस अंदाज से हम सोसाइटी को इंटेलेक्चुअलाइज करना चाहते हैं, सोसाइटी को इल्म की तरफ। अगर सियासत पर बात करें, मौजू पर बात करें, तो वो नजरिए और फिक्र की बुनियाद पर, इकोनॉमिक मैनिफेस्टो पर बात करें। देखें, मैं एक और जुमला, मैंने इस पर कॉलम भी लिखा था कि मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, आपके खिलाफ नहीं हूँ। और मैं किसी महफिल में बैठा सबसे कहता हूँ जी ठीक है, तो वो लोग ये समझ लेते हैं मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। नहीं, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मेरा हक है 100% आपसे इख्तलाफ करने का, और आपका भी। तो ये टॉलरेंस आती है इल्म से। जब आपके इल्म की गहराई हो जाएगी तो आप बात को समझना भी शुरू हो जाएंगे, आप इख्तलाफ करेंगे, खिलाफ नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है इल्म से। जो किताबें इन्होंने पढ़ी हैं वो बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाने वाली हैं या जन्नत के पत्ते हैं, वो बिल्कुल यूटोपिया झूठ की बुनियाद पर है। दुनिया का सच लॉजिक है, साइंस है, इल्म है, और बहस है फिकर की बुनियाद पर, फलसफे की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर। यहाँ पर बहस क्या है कि 21 अक्टूबर को जलसा बड़ा होगा कि छोटा होगा, शदरे में 800 बंदे थे, दूसरा कहता है नहीं 1800 बंदे थे। क्यों? कि लोगों का जहन बना दिया है हमारी रूलिंग क्लास ने निचली सतह पे। तो जमहूरी पब्लिकेशन अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इसीलिए मैंने जैसे आपको रिकॉर्डिंग से पहले कह रहा था, मैंने टेलीविजन की जॉब छोड़ी, मैं पॉलिटिक्स की उस पीक पर था जहां पर आप वजीर बनते हैं, शायद मैं बना भी 2 दफा, यानी कि आई रिफ्यूज ऑल दिस काइंड ऑफ पोजीशन, यहां मैं बयान नहीं करना चाहता। इसलिए पब्लिशिंग हाउस भी इसीलिए बनाया कि किताब सोसाइटी को बदलती है। दुनिया की कोई सोसाइटी मुझे बता दे जो इल्म और किताब के बगैर तरक्की की हो, कोई एक सोसाइटी थी आज ऐसा नहीं हो सकता 1000 साल की तरह। तो इसलिए हमने पाकिस्तान के अंदर ये बीड़ा उठाया हुआ है, और मैं मायूस नहीं होता, मैं तारीख का शौर रखता हूँ। तारीख का शौर ये कहता है कि हमने एक काम करना है। मैं ऐसे नबियों की हम तारीख पढ़ते थे, 900 साल उन्होंने जद्दोजहद की, मुझे कहने का तो हुआ कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, वो अगले नबी के आने की कड़ी बने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो इसलिए जो इल्म का सफर है, ये मुश्किल सफर है पाकिस्तानी सोसाइटी में। ये जो आपने बात की कि हमारी सोसाइटी पोलराइज है, और पोलराइज किन चीजों पर है, मैं तो एक गलत बात है, मैं कहता हूँ सिविल वार हो जाए लेकिन नजरिए की बुनियाद पर हो ना, जैसे लबनान में हुई थी। ये अजीब अनार्किक है, ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी का कल्चर है, ट्राइबल फ्यूडल, जहां पर लोग बेमकसद लड़ते हैं। इसलिए कि जो किताबें पढ़ाई गई हैं और पढ़ाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, खसूसन ये जिसको हम बड़ा पब्लिशिंग हाउस कहते हैं, वो किताबें भी बिल्कुल या मोहब्बत की कहानियों के गिरते ऐसे फजूल से, या फिर वो इंसान को प्रिमिटिव ख्यालात की तरफ ले जाती हैं, वो किताब नहीं पढ़ाई जा रही जो आज की जदीद इलम है। जैसे मैंने हार्वर्ड जिन का पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब उसने अमेरिका की तारीख बदल कर लिख दी, दुनिया की सबसे मशहूर किताब है, हमने शाया की। नाउम चॉम्स्की मीडिया के ऊपर उसकी किताबें पिछले 30 साल से हम छाप रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी को, अगर मैं आपको टारगेट करूंगा, मैंने आपको एक फखरिया बताता हूँ, हमने पोरस को पढ़ाया आज से 25 साल पहले, मैंने किताब उसकी तर्जमा करवा के उन पर छापी आज, और किसको पढ़ाया, मेरा ऑडियंस, हमारा ऑडियंस इंटेलेक्चुअल से, आफ्ताब इकबाल साहब ने पढ़ना शुरू किया, कुछ और ने, अब वो पोरस उस तरह नहीं रहा कि पोरस को शिकस्त हुई, तो हमने एक डिस्कोर्स ही बदल दिया। और ये शौरी एडिटोरियल्स मैं अपनी जिम्मेदारियां अदा करता हूँ अपने पब्लिशिंग हाउस में। तो सोसाइटी को यहाँ लाना है कि ये पूछें, सियासत की जो आपने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई का इकोनॉमिक एजेंडा एक ही है, तीनों ही सरमायादारी निजाम पर यकीन रखते हैं, तीनों ही गरीब पर यकीन नहीं रखते, तीनों ही किसान पर यकीन नहीं रखते। सतही सी बात कर देंगे किसानों की, पाकिस्तान के अंदर तालीम मुफ्त होनी चाहिए, आईन ये कहता है, आर्टिकल 25A कहता है, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म इसके पैरेलल बनाया, उसका नाम है अवाम दोस्त पाकिस्तान, जिसके तहत हमने 37 आर्टिकल्स को पाकिस्तान के पाकिस्तान इस तहरीक का मंजूर का नाम दिया, उसका नाम है अवाम दोस्त पाकिस्तान। इससे जुड़ी हुई चीजें हैं असल में। और मैं आपको एक बात और बताऊं,
जी ये जो पब्लिशिंग है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में दो या तीन पढ़े लिखे या इंटेलेक्चुअल पब्लिशर है, बाकी सब अनपढ़ है। दुनिया में पब्लिशिंग का काम हाईएस्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल पर्सन करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल कॉन्सेप्ट होता है कि जो किताब पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है। तो ये जो आपने क्राइसिस बताया, मेरे नजदीक ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस ही ये है कि वी आर वेरी मच पॉलिटिसाइज्ड एंड हाईली नॉट, और इसके लिए इल्म की बहुत जरूरत है। इल्म किताबों के जरिए आ सकता है, शऊर जो है वो भी आपको ऑब्वियसली इल्म के जरिए ही आ सकता है। बहुत शुक्रिया फारूक सुहेल गोइंदी साहब हमारे साथ व्यूअर्स शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा की बात करें, सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा, जो ज़िंदगी गुजारने के उसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, उससे ऑब्वियसली हमें आला मिसालें मिलती हैं और हमारे लिए ये एक कामिल नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, और स्पेशली अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानियत की रहनुमाई और हिदायत के लिए भेजा गया, और तमाम अंबियाए कराम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्तरी भी दी गई। लेकिन अगर हम आज का मुसलमान देखें तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से बहुत दूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, उसमें रवादारी है, मोहब्बत है, अखलास है, प्योरिटी है, अदल की तलकीन की, इंसाफ की तलकीन की। लेकिन अगर हम आजकल के माशरे में देखें या आजकल के इंसानों में देखें तो हम इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमें क्या दर्स देता है, हम आज के इस वक्त में उस उस्वा को अपने लिए रोल मॉडल कैसे बना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डिस्कशन के लिए मजहबी स्कॉलर सैयद उसामा शाह बुखारी मौजूद हैं। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम अगर आज का मुसलमान देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से बहुत दूर है, जो हमें तालीमात बताई गई हैं हम उनसे बहुत दूर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमें क्या दर्स देता है और हमारी इस दूरी की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने अपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बातें कहीं और बड़ी बेहतरीन तमीद बांध दी। गुजारिश ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़ात पाक, आपके हयात तय्यबा और आपका वजूद मुबारक, आपकी बेसत मुबारक, ये तो इतना अजीम एहसान है अल्लाह ताला की इंसानियत के ऊपर। अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान को नेमत अता की, लेकिन कभी भी किसी नेमत का अल्लाह ताला ने जिक्र इस तरह नहीं किया कि जिसने अल्लाह ताला ने एहसान जतलाया हो। लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसका अल्लाह ताला ने जरूर एहसान जतलाया है, और वो नेमत है नबी करीम अलैहिस्सलाम का वजूद मुबारक, आपकी ज़ात पाक, आपकी हस्ती मुबारक, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बासफीहिम रसूला। हम अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं कि हमने मोमिनों पर एहसान किया है कि हमने इनके अंदर से नबी करीम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। और यकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी है कि जिसने हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल ज़ात हयात के तौर पर दीन इस्लाम अता फरमाया है और कामिल दीन है वो। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमति व रज़ितु लकुम इस्लाम दीना। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल बनाया, और साथ ये फरमा दिया कि कामिल दीन जो है इसकी अगर अमली तफसीर देखना चाहते हो, क्योंकि कुरान पाक जो है ये हमारे लिए मैनुअल की सूरत है, और कुरान पाक की अमली तफसीर जो है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते थे, लोग कहते हैं कुरान एक है, मैं कहता हूँ कुरान दो है, लोगों ने पूछा वो कैसे, उन्होंने कहा एक कुरान तो वो है जिसके पारों की हम तिलावत करते हैं, जिनकी आयात को हम पढ़ते हैं, और एक कुरान वो है जो मक्के मदीने की गलियों में चलता फिरता नजर आता है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक बाइन ही ऐन उसकी तफसीर है कुरान पाक की। इसलिए तो उसवा हसना कामिल नमूना कुरान पाक ने एक बयान फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, बेहतरीन नमूना। बात यह है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और साथ ही फरमा दिए मेरे रसूल की इताअत करो। और जो आपने बात की कि हम नबी पाक सल्लम की इत्तबा हमारे लिए किस कदर जरूरी है, आज हमारी रियासतें, आज हमारी इबादतें किस लिए हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुलिया दे दिया महबूब बनने का, कुल इन कुन तुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिऊनी, ए मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए अगर आप अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं तो फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, उनकी पैरवी करो, जो उन्होंने फरमाया वैसे करके दिखाओ। वमा आताकुम रसूल फखुजूहू वमा नहाकुम अनु फंतो, जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया
उसको करके दिखाओ, जैसे मना फरमा के उसे रुक जाओ। और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक ने आपकी बात का जवाब दिया, जो आपने बात की ना कि उसवा हसना तो मौजूद है, लेकिन आज हम क्यों दूर हैं उसवा हसना से। तो इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, लऊ काना हुब्बुका सादिकल अताहु इनल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, महबूब से अगर मोहब्बत का दावा हो ना तो फिर महबूब की अदाओं को अपनाना, मुती और फरमाबरदार हो जाना ये आप पर लाजिम हो जाता है। शायर ने क्या खूब कहा है, ये तरीके आशिकी चाहिए इसमें बेखुदी, इसमें चुनी चुना कहा, इसमें अगर मगर कहा, अगर बख्शे तो जहे किस्मत, ना बख्शे तो शिकायत क्या, सर तस्लीम खम है जो मिजार यार में आए, मुसव्विर खेच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमान मोहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो। यकीनन रसूल सल्लम का जहाँ पे रसूल सल्लम का हुक्म आ गया, हमें तो सिर्फ तस्लीम खम करना है। इस्लाम तो नाम ही सबमिशन का है। रसूल सल्लम ने जैसे करके दिखाया, बहसियत मुनसिफ कादी जज, बहसियत उस्ताद मुअल्लिम सिपा सरार हुक्मरान, बहसियत वालिद, बहसियत शोहर, जो आपने खिदमात सर अंजाम दे के दिखाई, हमें नमूना दिखाया। आज तो आपको क्या लगता है आज का मुसलमान ये तमाम काम कर रहा है? नहीं बिलासल, अगर मैंने असल कौम देखा है, सच्ची बात है, हमें कोताहियां हैं, हमें यकीनन हमें कमजोरियां हैं, कहली है, सुस्ती है, लेकिन सच्ची बात है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्कस करने का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं और आका की सीरत पे अमल करके दिखाएं। देखें मोहब्बत का दावा करना ये यकीनन हमारे लिए बड़ा अफजल है, बड़ी शरफ की बात है। जिसना अलामा मोहम्मद इकबाल है अल्लाह ताला फरमाते हैं, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त आबरू माज़े नाम मुस्तफ़ा अस्त, हमारी तो इज्जत और शर्फ इसी वजह से कि हमारी निस्बत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। लेकिन बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब ही हम पर फख्र करेंगे कि जब हम उनके तरीके पे, उनके उसवा पे अमल करके दिखाएंगे और जिसने उन्होंने फरमाया उसने करके दिखाएंगे। और यकीन फरमाया कि जो मैं सामा साहब यही से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक नातख्वां सैयद फैजान अली भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, फैजान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। फैजान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, हदिया अकीदत जो है वो आप पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरीदा
है रात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर मान दुरीदा यूं दूर हूं ताइब मैं हरीम वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स. रबीउल अव्वल का ये बाबरकत महीना है और हम बात कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर. और हमारे साथ डिस्कशन के लिए सैयद उसामा शाह बुखारी मौजूद हैं. उसामा साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम आज के मुआशरे का और आज के मुसलमान का इस वक्त तस्करा कर रहे हैं और उसका फिर कंपैरिजन के उसमें क्या शियार पाए जा रहे हैं. एक और चीज़ अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है. हम में बर्दाश्त नहीं, टॉलरेंस नहीं कि हम किसी की बात को बर्दाश्त कर सकें, किसी की तरक्की को बर्दाश्त कर सकें, या इस तरह के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं. सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बर्दाश्त के हवाले से, तहम्मुल के हवाले से क्या तलकीन करता है? सवाल आपने किया है और यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात का खुलासा देखा जाए तो अकलीसलाम ने ये फरमाया ना, इन्ना मा बुइस्तुली उत्तमी में मुकारिम अखलाक, कि मुझे तो मबूस ही इसलिए किया गया कि मैं मुकारिम अखलाक की तकमील करूँ. और अच्छा इखलाक जो है, अच्छे इखलाक वाला वही अदम बर्दाश्त पर काबू पाता है. इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अकमल मोमिन ईमान अहसन खुलुका, तुम्हें से कामिल मोमिन वो है, कामिल ईमान वाला वो है जो सबसे अच्छे इखलाक वाला है. अच्छे इखलाक में जो चार निशानियाँ हैं, इसमें भी इमाम अब्दुल्ला मुबारक ने उन चार निशानियों का बताया कि जिसमें चार चीज़ें पाई जाएं उसमें अच्छे अखलाक होता है और उसमें उसको अच्छे अखलाक वाला शुमार किया जाएगा. पहली ये कि जब जिसे मिलता है खंदा पेशानी से मिले. दूसरी ये है कि उसके अंदर जो अल्लाह तआला ने ख्याल रखी है दूसरों पर निशावर कर दे. तीसरी ये कि अपनी जुबान में नरमी पैदा करे, उसकी जुबान में सख्ती नहीं होनी चाहिए. अगर कोई उसके साथ बदतमीजी की बात करता है या झगड़े की बात करता है या जहालत की बात करता है तो कुरान ने तो मैसेज दिया, वजह खातब उल जाहिल खाल सलाम, अगर कोई आपके साथ जाहिल उलझ जाता है तो आपने सलामती की बात करनी है. और चौथी निशानी है बड़ी अहम है, वो ये कि अलतहमुल, हमें तहमुल सिखाया गया, जिसमें तहमुल पाया जाएगा वही अच्छा इखलाक वाला होगा. तहमुल किसमें पाया जाता है? तहमुल उसमें पाया जाता है जो बर्दाश्त पर काबू पा जाता है. और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये अदम बर्दाश्त जो है हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, उसकी वजूहत हैं, उसके असबाब हैं, हमें उसकी तरफ भी आना चाहिए. आज यकीनन महंगाई, बेरोजगारी और ये नाउम्मीदी, ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में उसने पूरे माशरे को बेचैन कर दिया है, अपनी लपेट में ले लिया है. यकीनन आज का नौजवान जो है उसमें नाउम्मीदी और बेचैनी इसी वजह से है कि उसमें महंगाई का बहुत ज़्यादा फैक्टर मौजूद है, बेरोजगारी का फैक्टर बहुत ज़्यादा मौजूद है. हमें इन चीज़ों को भी पसे पुश नहीं डालना चाहिए. दूसरी चीज़ ये, बर्दाश्त को तो अरबी में तहमुल ही कहा जाता है, इसके जो मानी है वो ये है कि बोझ उठाने के, यानी ये वो सिफत है जिससे इंसान में कुव्वत और ताकत पैदा होती है, जिसके सबब वो गुस्से, जोश, इश्तेआल और इंतकाम के जज्बे के बावजूद अफो दर्द गुदर से काम लेता है और अपने आप को काबू में रखता है. जबकि अदम बर्दाश्त से मुराद तो ये है कि वही मनफी रवैया है ना, कि जो किसी की राय
सोच रवैये और इस इन तरह से मनफी आपको मुझ पर ना रवैयों से जाहिरी बात है इज्तनाब करना चाहिए, और अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर अमल करेंगे तभी हम इन बुराइयों से दूर रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा शाह बुखारी साहब हमारे साथ इस शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन जाते जाते मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं नातवा मोहम्मद अमजद नक्शबंदी साहब, गुजारिश करना चाहूँगी कि जाते जाते आप हदिया अकीदत पेश करते। लजपाल नबी वरगा कोई जगते ना आया, लजपाल नबी वरगा कोई जगते ना आया। रब सोहने मुहम्मद नू मुख्तार बनाया है, घर आमीना माई दे चन चढ़िया रिसालत दा, घर आमीना माई दे चन चढ़िया रिसालत दा, सब नूरियां रल मिल के मिलाद मनाया है। सब सोहने मुहम्मद नू मुख्तार बनाया है, यासीन दा मुखड़ाए वल्लैल दिया जुल्फां, यासीन दा मुकड़ाए वल्लैल दिया जुल्फां, माजाग दा कजलाए रब यार सजाया है। रब सोहने मुहम्मद नू मुख्तार बनाया है, लखवार हलीमा दे बख्तानु सलाम होवे, लखवार हलीमा दे बख्तानु सलाम होवे, जिन्ने गोदे च नबियां दा सरदार खड़ाया।